दोस्तों माय यूट्यूब चैनल प्रेम बुलबुला आपका सभी का स्वागत है। और जो अपना चल रहा है टेंथ क्लास में मैथ जो चैप्टर नंबर है 7.2 प्रश्न वाली चल रही अपनी सर्वसम्मी का है और इसमें 2 क्लास लगा चुके हैं जिसमें अपने 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 14 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब 14 क्वेश्चन दे रखा अपने को साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटे से 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा और साइन थीटा बटे से कॉस है 90 माइनस थीटा। अपन को लाना भाई आंसर क्या साइन थीटा और कॉस थीटा, अपन को आंसर लेके आना। देखो ये दोस्तों तो मैंने बोला कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या बोला साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो और कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते। इस प्रकार से अपन दोनों को सूत्रों का प्रयोग इसमें करेंगे। देखो दोस्तों उसके बाद सेक को अपन क्या लिख सकते भाई और कॉस को क्या लिख सकते, अपन ने लिखा ऊपर से ये साइन थीटा लिखा साइन और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते साइन, तो अपन ने भाई साइन थीटा लिखा और फिर अपन को कॉस थीटा दिया। उसके बाद इसको क्या कह सकते सेक को क्या कह सकते साइन को कॉस कह सकते कॉस सेक कह सकते, तो इसको बोला अपन ने भाई कोसेक थीटा बराबर था भाई कोस सेक थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा होता है, ये होता है इसकी जगह पर नहीं लिख सकते। ठीक है इसकी जगह पर क्या लिखे भाई अपन कॉस सेक की जगह लिख सकते हैं कॉस सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा से 90 माइनस थीटा, इन वैल्यू को हम क्या पढ़नी पड़ेगी घटा। तो देखो तो ये लिखा अपन ने इसकी जगह पर क्या लिख सकते कॉस सेक, तो ये नीचे लिखा भाई कॉस सेक थीटा प्लस कॉस लिखा साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखो साइन 90 माइनस थीटा लिखो कॉस और ये साइन दिया और नीचे कॉस 90 वाला हम क्या लिख सकते हैं ये लिखा जो बोला है। अब देखो साइन को साइन से किया तो क्या होगा साइन को क्या होगा साइन साइन थीटा कॉस साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हो बनवाई साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा पर इसको सेक थीटा को हम लिख सकते हैं बनवाई कॉस। ये कंडीशन आई अब ये वही चार बार हो गया तो ये ऊपर चले जाएगा फिर क्या हो जाएगा भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर और ये ऊपर गया भाई साइन थीटा प्लस नीचे एक का कोई मतलब नहीं होता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नीचे एक को लिखो या मत लिखो यहाँ तक सबको दिखना ना भाई। ठीक है तो देखो भाई दोस्तों अब अपन क्या है ऐसी चीज कॉमन लेनी है ये वाला पक्ष और ये वाला दोनों पक्षों में क्या मौजूद हो, तो भाई देखो कॉस साइन इधर भी है और साइन कॉस इधर भी है तो अपन देखो भाई क्या लिया अपन इधर साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने क्या है कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा भाई साइन स्क्वायर इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर। अब भाई साइन स्क्वायर थीटा देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो इसको अपन पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो अपन एक से इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, साइन एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और अपन क्या चाहिए भाई, साइन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन, कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो अपना क्या आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आ चुके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। यहाँ पर क्या 3 डिग्री 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6, एक क्या न्यून कोण है दोस्तों, अपन को थीटा का मान आता। अपन को बताया भाई कि साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है भाई, ये मैंने आपको बताया था। और इसी प्रकार से आपको करना होगा, जहाँ साइन है वही ये ले दो, तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 3 थीटा, तो अपन 3 थीटा लिखा बराबर क्या लिखा भाई, कॉस थीटा माइनस 6। तो देखो दोस्तों कॉस से कॉस कट गया भाई, तो क्या बचा 90 डिग्री 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री। तो भाई ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया भाई माइनस का 4 डिग्री 3 और 4 बराबर माइनस के हो गए 96 भाई, 90 और 6 के हो 96 हो गए, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो 4 थीटा बराबर हो जाए 96 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा, इसका भाग दिया थीटा बराबर आ गया भाई 24, थीटा बराबर 24। और ये अपना दोस्तों क्या निकालना है मान, अपन को भाई इसे पूछा है थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान कितना आया 24 डिग्री आ गया दोस्तों। कुछ नहीं भाई, साइन की जगह अपन ने चेंज किया है, साइन बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है, इस प्रकार से करना है। अब देखते अगला क्वेश्चन की जो बात करते, क्वेश्चन नंबर भाई 16। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 16 बताया मैंने आपको, तो सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री है। यहाँ पर क्या है 5 थीटा एक एक नून कोण है दोस्तों, तो इसमें क्या अपन को थीटा का मान याद करना। देखो दोस्तों कि मैंने बताया भाई कि सेक थीटा बराबर क्या होता भाई, कोसेक 90 माइनस थीटा होता भाई, ये बात आपको मैंने बताई थी। तो देखो दोस्तों कैसे करना भाई अपन को, कि सेक की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक 90 और थीटा की जगह क्या लिखा और 5 थीटा भाई, ये बराबर अपन को दे रखा है कोस थीटा माइनस 36 डिग्री भाई। तो कोसेक से ये कोसेक कट गया भाई, 90 माइनस 5 थीटा रह गया बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। तो इसको कैसे करना पड़ेगा भाई, ये वाला इधर आएगा तो माइनस को जाएगा, तो माइनस माइनस भी हो गया 6 माइनस के 6 थीटा माइनस के, और ये इधर जाएगा भाई यहाँ से इधर जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा भाई 90 प्लस 36 माइनस का है, तो ये हो गया 6 थीटा बराबर 126 माइनस, ये कट गया भाई 6 थीटा बराबर क्या है भाई 126, तो थीटा बराबर क्या है भाई 126 अपन 6 का बार देते हैं, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों इसमें दिया, तो एक दो बार गया फिर एक बार गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया भाई 21 डिग्री, थीटा बराबर क्या आ गया भाई 21 डिग्री, ये अपना आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के ए बी सी के अंत्य कोण हो, तो सिद्ध करिए भैया कि टेन ए प्लस बी बटे दो बराबर होता है कोण ए बी बटे ए बटे दो होता है। इसको क्या दोस्तों अपन को क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले क्या अपने बनाया भाई, त्रिभुज बनाते भाई, त्रिभुज क्या होता है भाई, त्रिभुज
यपन ने त्रिभुज बनाया भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 होता है, 180 डिग्री होता है भाई तीनों। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये दोस्तों सी हो गया। इस प्रकार से अपने त्रिभुज के तीनों अंतो कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो देखो भाई, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है? 180 डिग्री। सॉरी, 180 तीनों कोणों का योग होता है भाई। तो अपन क्या करते हैं, इनको हटाते हैं, कोणों को हटाते हैं। अपन कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का कोण 180 होता है। तो क्या करते हैं भाई अपन को, ए इधर ले जाते भाई, ए बी प्लस सी है दोस्तों, बी प्लस सी। तो अपन क्या करें भाई, ए इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखो भाई, अपन कह सकते हैं बी प्लस सी 180 डिग्री माइनस, ये कह सकते। अब भाई ये क्या है कि दोनों पक्षों में दो का भाग देना है। क्या भाई, दोनों तरफ दो का भाग देने का, इधर भी दो का भाग देते, इधर भी दो का भाग देते। दे भाई, ए प्लस बी प्लस सी में अपन दो का भाग दिया, बराबर 180 माइनस ए में अपन ने भाई क्या किया, दो का भाग दे दिया भाई। तो अपन इसको कैसे लिख सकते थे, इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते थे, बी बटे दो प्लस सी बटे दो बराबर 180 बटे दो लिख सकते थे, माइनस ए बटे दो भी लिख सकते। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते भाई। तो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे कट गया, तो ये क्या हो गया भाई, 90 हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, ए बी सी बटे दो बराबर 90 डिग्री माइनस ए बी। अब देखो भाई क्या करते अपन, कि दोनों तरफ टेन से गुणा करने पर क्या भाई, अपन दोनों तरफ क्या, अपन को ये लाना भाई, सिद्ध करना अपन को ये। तो क्या लिखेंगे भाई, दोनों तरफ यहाँ तक दिख रहा भाई, देखना भाई यहाँ तक सबको दिख रहा है। तो देखो दोस्त, दोनों तरफ tan थीटा से गुणा, भाई दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, tan थीटा से गुणा कर देंगे। तो यहां देखो भाई, तो अपन क्या कह सकते हैं, tan थीटा, tan बराबर क्या आ गया भाई, बी बटे बी प्लस सी बटे दो। इधर भी अपन ने टेन से गुणा किया है, 90 माइनस ए बी होगा, ये होगा। अब क्या कह सकते हैं भाई अपन को, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, यहाँ देखो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस, 90 माइनस थीटा होता है। तो देखो अपन टेन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते 90 माइनस। तो देखो टेन हो गया अपना, बी प्लस सी बटे दो हो गया, बुरा हो टेन की जगह क्या लिख सकते, 90 तो 90 है, थीटा की जगह अपनी लिख सकते, क्या हो गया कोट 90 की जगह ये लिख सकते हो, मतलब थीटा तो अपन ये लिख सकते ए बटे बटे दो। तो भाई देखो, ये वाला और ये वाला सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से अपन को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये अपन ने क्या किया, सिद्ध कर दिया। तो अगले क्वेश्चन की बात करते भाई, ये आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, इसी दृष्टि से आपने क्वेश्चन किया तो आपके 100% नंबर आएंगे, मतलब जो
क्वेश्चन चार नंबर का, तो चार नंबर के आएंगे आपके पास। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये इस प्रश्नवली का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। यदि कॉस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा हो, तो 2 और 4 साइन थीटा भाई क्या है, न्यून कौन है? तो थीटा का मान अपने दोस्तों याद करना। देखो तो मैंने बोला कॉस थीटा बराबर क्या होता भाई, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है। क्या होता भाई कॉस थीटा बराबर, उधर मत करे, कॉस थीटा बराबर क्या होता भाई, ये होता है। तो अपन कॉस की जगह अपन ये लिख देंगे वैल्यू भाई, देखो साइन थीटा, तो ये 90 लिखा हुआ है, ये 90 लिखा, थीटा की जगह अपन ने 2 थीटा लिखा, बराबर में अपने को लिखा हुआ है भाई साइन 4 थीटा लिखा हुआ है। तो अब क्या करते भाई, साइन से तो साइन कट गया, 90 माइनस 2 थीटा बराबर अपन पास में 4 थीटा। तो अब कैसे करेंगे, इसको इधर ले जाएगी तो प्लस हो जाएगा भाई, ये हो गया भाई 90 माइनस 90, ये इधर गया प्लस हो गया, तो चेंज हो भाई 4 थीटा इधर पहले ही था और एक ये आ गया प्लस में 2 थीटा हो गया। तो 90 ये हो गया 6 थीटा। अपन क्या करते भाई, तो 90 में अपन 6 का भाग देते हैं तो ये थीटा का मान आएगा। अब जब 90 में भाग दिया तो ये किस प्रकार से आएगा, तो इसके मैं गुणा दे दे भाई, 15 6 90 होते हैं, तो थीटा बराबर क्या है अपने पास भाई, थीटा बराबर 15 डिग्री अपना आंसर आ गया दोस्तों। तो आज जो ये प्रश्नवली अंतिम क्वेश्चन था, आज की प्रश्नवली अंतिम का, तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन होने के बाद देखो आपको एक बार फिर आपसे बता दूं कि इस प्रश्नवली को दोबारा पूरी को रिपीट कीजिए, पहले क्वेश्चन से 18वें क्वेश्चन तक पूरे क्वेश्चन को रिपीट रिवाइज करिए, उसके लिए आप लोग बहुत बेहतर लाभ हुआ। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जितने भी अपने छोटे भाई बहन हैं जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनके लिए साइंस कुछ बाधा आने का ना, भी बंद कर रखी क्लास, और जो मैथ की क्लास है ये आपकी दोस्तों सुचारू रूप से चल रही है भाई, मैथ की क्लास सुचारू रूप से चल रही है। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।